जय श्री कृष्णाय नमः। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभागों को तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में वर्तते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाले ज्ञानी पुरुष चलेमान न करें। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यानिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार और अहम भाव रखते उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वाले को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है उन दोनों के वश में नहीं हुए, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु होते हैं। राग और द्वेष कल्याण मार्ग में चलने वालों के लिए महान शत्रु होते हैं, इसलिए उन दोनों को जानकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करके स्वधर्म श्रेष्ठम परम धर्म अस्ति, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात्कार से लगाए हुए सदृश न चाहता हो भी किससे परे हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। यही महाअसन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू वेरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है वैसे उस काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वेरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं, और यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोक कर कामरूप वेरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को परे कहते हैं, और इन इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। इति श्री मद भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण। ओम श्री कृष्णाय नमः।